हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन्स बिग बैश लीग 2021 के 47th और 48th मैच के बारे में। इसका 47th मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स के बीच है और इस मैच को आप 17 नवंबर सुबह के 10:10 से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। और यह मैच एडिलेड के कैरन रॉल्टन ओवल में खेला जाने वाला है। पिच की बात की जाए तो पिच बैलेंस्ड है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 130+ देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 18°C रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस मैच की कन्फर्म रिपोर्ट एक्यूरेसी के साथ, तो स्क्रीन पे रोहित भाई का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। व्हाट्सएप पे आप इनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। काम इनका काफ़ी बेहतर है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर प्रीवियस ईयर के 5 हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 बार पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स की जीत हुई है, 2 बार एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स की जीत हुई है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स टेबल पे पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स 3rd पोजीशन पे 14 पॉइंट्स के साथ हैं। 11 मैचेस खेली हैं, 6 मैचेस में जीत हुई है। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स पॉइंट्स टेबल पे 4th पोजीशन पे 13 पॉइंट्स के साथ हैं। 11 मैचेस खेली हैं, 6 मैचेस में जीत हुई है। तो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स आगे है फ्रेंड्स। अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स से डेन वैन निकर, कैटी मार्क, लॉरा बॉलवॉर्ड, थैलिया मैग्राथ, ब्रिगेट पैटरसन, मेटलाइन पेना, एमांडा जेड वेलिंगटन, टेगन मैकफर्लिन, सारा कॉटी, मैगन सूट और डार्सी ब्राउन, ये हो सकती हैं प्लेइंग 11 एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स की। अब अगर पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स से सोफी डिवाइन, बेथ मुनी, चमारी अटापट्टू, समंथा बेट्स, पीपे क्लेरी, हीथर ग्राम, मारिजाने कप, अलाना किंग, लिली मिल्स, डैनियल पिस्चल और क्लोई पिपारो, ये हो सकती हैं प्लेइंग 11 पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स की। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 17 नवंबर को होने वाले इस 47th मैच में टीम पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार ज़्यादा हैं। बात करते हैं इसके 48th मैच के बारे में, जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स वर्सेस सिडनी थंडर वुमेन्स के बीच है और इस मैच को आप 17 नवंबर दोपहर के 1:35 से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। अब अगर प्रीवियस ईयर के 5 हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 बार मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स की जीत हुई है, 2 बार सिडनी थंडर वुमेन्स की जीत हुई है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स टेबल पे मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स 1st पोजीशन पे 16 पॉइंट्स के साथ हैं। 11 मैचेस खेली हैं, 7 मैचेस में जीत हुई है। वहीं सिडनी थंडर वुमेन्स पॉइंट्स टेबल पे 7th पोजीशन पे 8 पॉइंट्स के साथ हैं। 11 मैचेस खेली हैं, 3 मैचेस में जीत हुई है। तो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स आगे है फ्रेंड्स। अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स से जेमिमा रॉड्रिक्स, एवेलिन जॉन्स, क्लेरी लिसन, हरमनप्रीत कौर, जेस डफिन, सोफी मॉलिनेक्स, जोसेफिन डोले, एली फेल्कनर, रियान ओ डोनेल, एला हेवर्ड और हॉली फर्लिन, ये हो सकती हैं प्लेइंग 11 मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स की। अब अगर सिडनी थंडर वुमेन्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सिडनी थंडर वुमेन्स से स्मृति मंदाना, तालिया विल्सन, फॉय ब्लिंडफील्ड, दीप्ति शर्मा, सैमी जो जॉनसन, अनिका लियार्ड, हन्ना डार्लिंगटन, इजी वोंग, लॉरेन स्मिथ, केटी पैटरसन और समंथा बेट्स, ये हो सकती हैं प्लेइंग 11 सिडनी थंडर वुमेन्स की। तो फ्रेंड्स, मैच विनर बताने से पहले बता दूं कि अगर आप इस मैच की कंफर्म रिपोर्ट चाहते हैं फ्रेंड्स एक्यूरेसी के साथ, तो स्क्रीन पे रोहित भाई का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। व्हाट्सएप पे आप इनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। काम इनका काफ़ी अच्छा है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे 17 नवंबर को होने वाले इस 48th मैच में टीम मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार ज़्यादा हैं।
आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस 47th और 48th मैच को लेकर? आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है फ्रेंड्स? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।